प्रोटेस्ट का मतलब है, मकसद क्या है? मकसद ये प्रोटेस्ट है, बीपीएससी चेयरमैन जिस तरीके से परसेंटाइल सिस्टम लाने का जो काम किया है, इस परसेंटाइल सिस्टम के खिलाफ ये लड़ाई है, ये आंदोलन है कि भारत के इतिहास में जितने भी स्टेट पीसीएस हो या पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं वो एग्जाम वन टाइम में कराए जाते हैं और उसमें किसी परसेंटाइल सिस्टम लागू नहीं है। बीपीएससी चेयरमैन से कहना है कि आप एक शिफ्ट में एग्जाम कराओ, बिहार के नौजवानों के साथ, बिहार के नौजवानों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ करना बंद करो, नहीं तो ये बिहार है, ये देश को ये सिखाता है, ये बिहार के बीपीएससी चेयरमैन को भी सिखाने का काम करेगा। ये बात हम उनको कहना चाहते हैं। दो शिफ्ट में एग्जाम होती है, दो शिफ्ट में जी, तो क्या दिक्कत है एग्जाम से ही तो मतलब हम कह रहे हैं जब पूरे भारत के इतिहास में जो भी स्टेट पीसीएस और पीसीएस के एग्जाम हो रहे हैं, अगर वो एक शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है उनको आपको भी एक शिफ्ट में एग्जाम कराना पड़ेगा। यूपीएससी का एग्जाम एक शिफ्ट में होता है तो आपको भी एक शिफ्ट में एग्जाम कराना पड़ेगा, ये सवाल है। और ऐसे तमाम सवालों को लेकर बीपीएससी का घेराव हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बीपीएससी का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। हम लोगों ने पिछले दिन बीपीएससी चेयरमैन से बात किया था लेकिन उन्होंने हमारी बात को नहीं सुनी। कल जाकर नोटिफिकेशन जारी किया कि 20 और 22 को आपका एग्जाम कराया जाएगा। हम कहते हैं कि जब आपके छात्रों ने विरोध दर्ज कराया तो आपने यह काम क्यों करने का काम किया है? आपको फिर से छात्रों को बुलाकर एक बैठक करनी चाहिए थी लेकिन आपने वह काम नहीं किया है, इसलिए जो परसेंटाइल और डबल एग्जाम कराने की बात कही जा रही है उसके खिलाफ ये लड़ाई है और ये लड़ाई अनवरत चलता रहेगा। जब तक वो बीपीएससी का डबल एग्जाम कराने की बात कही गई है तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, जब तक वापस नहीं लेगा। सिस्टम बंद तुमको करना होगा, और बीपीएससी परसेंटाइल सिस्टम तुमको बंद करना होगा। बीपीएससी में दो एग्जाम कराने के जब बाद अपने कैसे वापस तुमको लेना होगा, बीपीएससी का कैलेंडर तुमको जारी करना होगा। बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल, बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल। यहाँ पर से सब ऑटो पकड़ के वहीं जाना है। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, ये लाइव तस्वीर पटना से जहां बीपीएससी के बच्चे अभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये हम आपको लाइव दिखा रहे हैं पटना से, और यहां जिस तरह के हालात हैं अभी हजारों बच्चे सड़क पर उतर गए हैं और कहीं ना कहीं जो बीपीएससी के चेयरमैन की मनमानी है उनके खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, अलग अलग पदाधिकारी यहां मौजूद हैं और वो तमाम लोग यहां पर बच्चों की निगरानी कर रहे हैं कि कहीं कोई प्रदर्शन जो है वो हिंसक ना हो जाए। और जिस तरह से बच्चे परेशान है कहीं ना कहीं, खास करके चेयरमैन के बयान को लेकर के बार बार जिस तरह से डेट का फेर बदल हुआ है उससे लोग काफ़ी परेशान हैं। और अभी जो तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं, ये पटना की सड़कों पर है और जिस तरह से बच्चों का हुजूम यहाँ पर आपको नज़र पड़ रहा होगा आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी परेशानी हो रही है इन बच्चों को। हम तस्वीरें आपको लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हम तमाम तस्वीरें जो बीपीएससी को लेकर के जो अभी सामने आ रही है हम आप तक साझा करते रहेंगे। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते होंगे, टेलीग्राम का ग्रुप भी होगा, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं और वहाँ जा करके आप अपने वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि हम आपकी आवाज़ को मुखरता के साथ अपने चैनल पर रख सकें। और तमाम जो तस्वीरें हैं वो आप खुद देख सकते हैं क्योंकि बीपीएससी ने जिस तरह से डेट का फेर बदल किया और ख़ासकर इन बच्चों की यही मांग है कि जो दो शिफ्ट में पेपर होना है उसे कहीं ना कहीं रोक दिया जाए क्योंकि दो शिफ्ट के पेपर से बच्चों में काफ़ी नाराज़गी है। उनका ये कहना है कि जिस तरह से ये कोशिश की जा रही है दो शिफ्ट में लेने से कहीं ना कहीं कदाचार मुक्त एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा और ख़ास करके जो परसेंटाइल सिस्टम लाया गया है उससे भी काफ़ी बच्चे परेशान हैं। ये तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें पटना से हम आपको दिखा रहे हैं। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि तब तक आपको तमाम अपडेट हम देने की कोशिश करेंगे, और आप बने रहिए, देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। उधर से आना चाहिए।
गेट के अंदर आइए भैया। पैसे रहता है तो क्या करेगा, यहाँ बुला के घूमने के फिरने है, यहाँ बुला के घूमने के फिरने अपने ब्रांड, कंपनी या संस्थान के प्रचार प्रसार के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। जल्दी करें ताकि आप बढ़ सकें और भी आगे।